हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने ट्यूटोरियल में बताया था कि किस तरीके से आपने ओपन कार्ड को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है। आप लोकल होस्ट या 127.0.0.1 उसे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में आ जाएंगे मेन एम्प के। आप पीएचपी माई एडमिन में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ये डेटाबेसेस बनी हुई हैं डिफरेंट, लेकिन हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे ताकि हमारी ये न्यू वेबसाइट हम चलाना चाह रहे हैं, तो न्यू वेबसाइट यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, न्यू अंडरस्कोर ओपन ओपन कार्ड, और इसे क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट होगी। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, इसलिए मैं इसे अब क्रिएट पे क्लिक नहीं करूँगा। आप जिस क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, और आपने ये इसको कॉपी कर लें या इसको याद रखें ताकि आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो आपको, सॉरी, ओपन कार्ड जब इंस्टॉल करें तो आपको याद रहे। अब आपने ये करना है कि ये जो अपलोड का फोल्डर है, जब आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये अपलोड का फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है, इसके अंदर ओपन कार्ड की सारी फाइल्स मौजूद हैं। आप इसे कॉपी करें, सी में जाएं, जेम्प में जाएं, एसटी डॉक्स में जाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दें, जी गाइस ये आप देख रहे हैं कि अपलोड के नाम से फोल्डर इसमें कॉपी मैंने कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, लोकल होस्ट स्लैश अपलोड, मैं उस फोल्डर का एड्रेस दूंगा इसके अंदर ताकि वो इसे एक्सेस करे। ये आप देख रहे हैं ये ओपन कार्ड का फर्स्ट पेज जो है वो सामने आया है। ये बेसिकली लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो ये आप इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। जी अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर सारी जो जितने भी फाइल्स हैं इनके ऊपर टिक मार्क हैं, यानी ये ठीक हैं, लेकिन दो फाइल्स ऐसी हैं जिनके अंदर वो कह रहा है कि ये कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी की जो फाइल है ये मिसिंग है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करें, अपलोड में जाएं। ये बेसिकली मौजूद हैं लेकिन ये कॉन्फ़िग डैट DIST के नाम से हैं, तो हमें इसको सिर्फ रीनेम करना है ताकि ये एक्सेस हो सके फाइल। इसको आप रीनेम कर दें और सिर्फ कॉन्फ़िग रहने दें, कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी। इसी तरह एडमिन के पेज में जाएं, वहाँ भी इसी तरह करें, इसको एक्सेस करें और इसको रीनेम कर दें। ये लें, ये अब आपकी फाइल्स ठीक हो चुकी हैं। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अगर आप वैसे इसको कंटिन्यू करते तो वो कंटिन्यू नहीं होता। अब आ गया हमारा सेकंड पेज, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहले तो DB ड्राइवर है वो MySQLi जो है वो होता है। होस्ट नेम हमारा ऑब्वियसली लोकल है, यूज़र नेम हमने कोई मेंशन नहीं किया था इसलिए रूट, और पासवर्ड जो है वो भी हमने कोई नहीं लिया था इसलिए खाली होगा। यहाँ पर हम डेटाबेस का नेम देंगे, डेटाबेस हमने जो अभी बनाई थी वो थी न्यू अंडरस्कोर ओपन कार्ड। उसके बाद हम ये अपना एडमिन पैनल का यहाँ पर नेम और एड्रेस जो है, नेम और पासवर्ड मेंशन करेंगे ताकि हम उसको एक्सेस कर सके। तो मैं उसको एडमिन एडमिन दे देता हूँ, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। ईमेल आपकी इसलिए यूज़ होती है ताकि अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाएं या आपको यूज़र नेम याद नहीं है तो आप ईमेल जो है अपनी, जो भी आप ईमेल यहाँ पर देंगे उसके ज़रिए आप उसको चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये करके सारी फॉर्म फिल करके कंटिन्यू करें। जी
अब आपकी ओपन कार्ट की वेबसाइट बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इंस्टॉल हो चुकी है। ये गो टू योर ऑनलाइन शॉप, ये यहीं पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको शॉप के ऊपर ले जाएगा जो आपकी वेब पेज होगा फ्रंट पेज। और ये एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एडमिन पैनल में ले जाएगा। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि ये ऊपर लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू डिलीट योर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। ये एक इंस्टॉल के नाम से यहाँ पर फोल्डर होता है जो कि स्टार्टिंग में ओपन कार्ड को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी अब ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि हमारी फाइल्स के ऊपर असर ना पड़े। ये एरर इसी वजह से आ रहा था जी। ये हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल तैयार है, अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन ये देखिए ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं ऐड टू कार्ट, ये एक नीचे दूसरा स्लाइडर है थंबनेल्स का, और फिर नीचे ये डिफरेंट पेजेस हैं अबाउट अस, डिलीवरी इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट अस, ये पूरा सिस्टम है इसके अंदर ओपन कार्ट का, इसमें आपका ऐड टू कार्ट का सिस्टम है, ऐड टू कार्ट करेंगे प्रोडक्ट को तो ऐड टू कार्ट हो जाएगी। ये देखते हैं आप, ये प्रोडक्ट जो है आप इसको ऐड टू कार्ट कीजिए, लेकिन इससे पहले आपको ये सिलेक्शंस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड टू कार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप दूसरी साइड पर आएँ, ये एडमिन पैनल है, यहाँ पर आपने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो था वो एडमिन एडमिन रखा था। जी ये देख सकते हैं आप कि आपका जो मेन एडमिन पैनल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपने सारी जितनी भी वेबसाइट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ये देखिए जैसे कि इसमें न्यू प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर नए पेजेस बना सकते हैं, इसमें बैनर लेआउट कर सकते हैं, कस्टमर्स का आप चेक कर सकते हैं, इनके ग्रुप्स बना सकते हैं, मार्केटिंग, अफिलिएट, कूपन, मेल, उसके बाद आपकी यूज़र्स, आपकी लोकलाइजेशन टूल्स, ये सब कुछ इसमें मौजूद है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं।